लास्ट वीडियोस में हमने बात किया है वन प्लस नॉर्ड के ऑक्सीजन ओएस 11 अपडेट के बारे में, लेकिन मुझे कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आता था कि भाई और भी डिवाइसेस की बात करो, जैसे कि वन प्लस 7, 7 प्रो, 70, 70 प्रो। सो उन डिवाइसेस की आज हम बात करने वाले हैं एंड बेसिकली मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा कि आखिर इन स्मार्टफोन्स में आपको ऑक्सीजन ओएस 11 का रोल आउट कब तक देखने मिलेगा। सो जो रिपोर्ट है हम आज उसकी बात करेंगे एंड ये 3 डेज़ पुराना रिपोर्ट है। सो बस आपसे एक रिक्वेस्ट कि वीडियो के साथ एंड तक बने रहना एंड जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि मज़ा आएगा, देखते रहिए। हाइट बीस, दिस इज कर्श एंड बेसिकली RM अपडेट की साइट पर मुझे सारी चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन हो गई। अब मैं आपको थोड़ा वन बाय वन, वर्ड बाय वर्ड में सारी चीज़ें बता देता हूँ। सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो ऑक्सीजन ओएस 11 का अपडेट था, वो बेसिकली एंड्रॉयड 11 के साथ आया था फॉर वन प्लस 8 एंड 8 प्रो स्मार्टफोन, और ये सारे ही यूज़र्स के लिए था। एंड इसमें जो है नॉन बीटा यूज़र्स भी कुछ शामिल थे, जिसमें कि सबको मिलने में थोड़ा सा टाइम लगा, बट धीरे धीरे सबको अपडेट मिल गया। अब ये वन प्लस के अदर स्मार्टफोन्स की अगर हम बात करें, इस वाले चीज़ में मैं बेसिकली बात करने वाला हूँ फॉर वन प्लस 7, 7 प्रो, 70, 70 प्रो, 6, 60 और इसी साथ में वन प्लस नॉर्ड एंड वन प्लस 8T। अब इस वाले स्मार्टफोन्स की हम बात करेंगे बेसिकली। सो अब मैं आपको क्लियरली एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबसे पहले जो रोड मैप से डिसीजन लिया गया था, वो चीज़ बेसिकली 6 तारीख से स्टार्ट हुई, जहाँ पर वन प्लस ने ऑक्सीजन ओएस 11 को कंफर्म कर दिया था फॉर वन प्लस 70 और 70 प्रो स्मार्टफोन्स। तो लोग जो है वो तैयार थे एंड जो कॉन्वर्सेशन थी वो कुछ इस तरह हुई कि एक बंदे ने जब भी वन प्लस के ऑक्सीजन ओएस 11 का अपडेट का पूछा और कहा कि भाई डेवलपर्स को कब मिलेगा डेवलपर वर्जन, सो उस हिसाब से ये चीज़ तो कंफर्म हो गई थी कि भाई ये एज सून एज पॉसिबल ऐसा कुछ करके उन्होंने आंसर दिया था, जिसके हिसाब से हम ये चीज़ समझ सकते हैं कि जो ऑक्सीजन ओएस का लेटेस्ट अपडेट आया था 10.0.13 और 10.3.7 का, वो बेसिकली उसके बाद से ये चीज़ स्टार्ट हो गई कि भाई नवंबर में तो पुश नहीं होने वाला बट बेसिकली दिसंबर में हो सकता है। अब यहाँ पर दिसंबर भी धीरे धीरे आ ही गया है। अब इस चीज़ के ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा और रिसर्च करना स्टार्ट किया, तो इन अदर कंट्रीज जो हाइड्रोजन ओएस का अपडेट है वो वन प्लस 7 और 7 प्रो में आ चुका है, 10.0.10 वर्जन पर चल रहा है एंड करेंटली ये चाइना में अवेलेबल है। अब बेसिकली चाइना में इस अपडेट के बाद भी एक और अपडेट रोल आउट हुआ था, जो कि था हाइड्रोजन ओएस 10.0.9G M57 फॉर वन प्लस 7 एंड 7 प्रो। इस तरह से धीरे धीरे हाइड्रोजन ओएस तो पुश हो रहा था बट ऑक्सीजन ओएस कहीं ना कहीं थोड़ा सा पीछे रह गया था। लेकिन उसके बाद थोड़ी सी कहानी बदली जब ओपन बीटा 19 और ओपन बीटा 9 का अपडेट आया, जिससे ये चीज़ कंफर्म हो गई कि वन प्लस 7 और 70 सीरीज़ को 2020 के एंड तक अपडेट मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे नवंबर ख़त्म हुआ एंड अभी हम दिसंबर में आ चुके हैं, तो अभी भी कोई चीज़ का यहाँ पर कंफर्मेशन निकल कर सामने नहीं आ पा रहा है। लेकिन मेन चीज़ यही है कि भाई ऑक्सीजन ओएस 11 की अगर हम बात करें, सो वो नए सारे काफ़ी सारे फिक्सेस लेकर आने वाला है एंड यही कुछ हो सकता है रीज़न कि भाई जो वो बग फिक्सेस हैं वो बेसिकली अभी पूरी तरह से रेडी नहीं होंगे इन वाले स्मार्टफोन्स के लिए, या फिर ये वाले स्मार्टफोन्स बेसिकली केपेबल नहीं होंगे फॉर दैट अपडेट ऑल्सो। सो ये सारी चीज़ें कन्फर्म चलती रहेंगी। अब यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस की जो लास्ट रिपोर्ट थी वो ये कहती है कि ऑक्सीजन ओएस 11 का अपडेट आपको दिसंबर 2020 के एंड में देखने मिलेगा फॉर वन प्लस 70 एंड 70 प्रो। यहाँ पर अगर हम बात करें 7 और 7 प्रो की, सो वो थोड़ा सा लेट मिलेगा उनको अपडेट, बट इसी मंथ में मिलने के चांसेस थे। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीज़ें कंफर्म होने लगी, फिर लोगों ने कहा कि हाँ भाई अपडेट आने वाला है, अपडेट आने वाला है। लेकिन इस मंथ जब हम आ चुके हैं तो यहाँ पर अभी भी किसी को भी क्लियरली पूरी चीज़ पता नहीं है। सभी केवल जो है थोड़ा थोड़ा र्यूमर करके बात कर रहे हैं, जिससे कि मुझे एक चीज़ तो पता लग ही जाती है कि यार भाई अपडेट मिलना इतना आसान नहीं है एंड दैट इज़ वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो, कि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कट एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ। अब यहाँ पर हम एक एक स्मार्टफोन्स की धीरे धीरे बात करेंगे। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फॉर वन प्लस 7 एंड 7 प्रो, अब मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर ऑक्सीजन ओएस 10.3.9N ऐसा कुछ करके अपडेट रिसेंटली चल रहा है वन प्लस 7, 7 प्रो में, और दोनों स्मार्टफोन्स का जो इस मंथ ऑक्सीजन ओएस 11 का चांस था वो मेरे हिसाब से जा चुका है एंड इस मंथ आपको ऑक्सीजन ओएस 10.0.10 का अपडेट देखने मिल सकता है। अगर वही बात करूं कि भाई दूसरे और स्मार्टफोन्स की, तो इस मंथ जो चांस है वो केवल वन प्लस नॉर्ड का है एंड बेसिकली फॉर वन प्लस 8T हम देख सकते हैं कि शायद इस मंथ आपको स्टेबल अपडेट देखने मिल जाए। थोड़ा सा बात करते हैं वन प्लस 70 और 70 प्रो की। सो यार इन वाले स्मार्टफोन्स का मुझे बेसिकली ऐसा लगता है कि जनवरी में आपको एंड तक अपडेट देखने मिल जाएगा,
ऑक्सीजन ओएस 11 का, जो कि स्टेबल अपडेट होगा। वहीं पर जो बीटा रोल आउट है वो शायद से जनवरी फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो जाए, होप सो ऐसा हो सकता है, बाकी गॉड नोज क्या कैसे होने वाला है। वन प्लस 7 और 7 प्रो का भी रोल आउट मेरे हिसाब से जनवरी सेकेंड वीक तक स्टार्ट हो जाना चाहिए, एंड फाइनल जो उसका स्टेबल अपडेट है वो फेब्रवरी फर्स्ट वीक तक या फेब्रवरी सेकेंड वीक तक स्टार्ट हो जाना चाहिए। इस तरह से मेरा कुछ भी पूरा माइंड सेट अभी चल रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ वन प्लस 6 60, तो यार थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा वेट करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आपको फेब्रवरी एंड तक जो है बीटा रोल आउट स्टार्ट होते हुए दिखेगा फॉर वन प्लस 60, एंड वहीं पर आपको जो फेब्रवरी का लास्ट वीक है उसी में ही आपको एंड डेट से वन प्लस 6 स्मार्टफोन है मार्च के सेकंड वीक तक शायद से वो भी वन प्लस का बीटा रोल आउट अपडेट ले ले फॉर ऑक्सीजन ओएस 11। इस तरह से मेरा पूरा जो है माइंडसेट चल रहा है। वहीं पर अगर मैं बात करूँ वन प्लस के लेटेस्ट स्मार्टफोन्स की, जैसे कि वन प्लस 70 प्रो, तो यार इनका जो स्टेबल अपडेट है उसके आने के बाद शायद से आपके पूरे के पूरे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा, टेकोटप को सब्सक्राइब करना है विद दी बेल आइकॉन, ताकि मैं आगे जब भी इस टॉपिक पर कोई भी वीडियो कवर करूँ तो आपको बेसिकली सारा का सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए, एंड आप लोग सब्सक्राइब करके अगर रखोगे ना तो आपको फ़ायदा है। डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम का लिंक, जाकर ज्वाइन कर सकते हो, साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप्स भी आप हमारे ज्वाइन कर सकते हो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। एंड आगे जब भी कोई अपडेट रोल आउट होता है तो सबसे पहले मैं अपने व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर ही बताता हूँ, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम जाता है। सो यार इस तरह से देख लो, बाकी जैसा जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन करा है कुछ उसी तरह से रोल आउट स्टार्ट होना चाहिए, होगा तो मैं आपको ज़रूर से बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, एंड होप सो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो। बाकी मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।